है गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसा आप सब, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है, मैं आया हूँ मालूनी के बेस्ट स्कूलों में से एक, होली मदर इंग्लिश स्कूल। तो गाइस, आज पूरा मुंबई संडे की छुट्टी मना रहा है और आज होली मदर इंग्लिश स्कूल ओपन है। तो वो क्यों ओपन है, किस लिए ओपन है, वो भी आपको अब से कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो आज आपको मैं बता देता हूँ, मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजों में से एक सेंट जेवियर्स कॉलेज के 30 से 40 स्टूडेंट होली मदर इंग्लिश स्कूल पर आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, वो भी आपको पता चल जाएगा। वैसे तो होली मदर इंग्लिश स्कूल पहले से ही बहुत खूबसूरत है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए सेंट जेवियर्स कॉलेज के स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आज हम आपको वही दिखाएंगे, वो क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर, तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, जब ही आपको पता चलेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, मुंबई का सबसे बड़ा कॉलेज सेंट जेवियर्स कॉलेज है, मतलब बहुत पुराने टाइम का वो कॉलेज है। और वहाँ पर मुंबई के उस कॉलेज के अंदर शूटिंग वगैरह मतलब होती रहती है, आम है। तो मतलब आपने बहुत मूवी में उसको, उस कॉलेज को देखा होगा। और उस कॉलेज की मतलब जो मतलब कारीगरी है, बहुत पुराने टाइम की कारीगरी है। तो बहुत बड़ा कॉलेज है, मुंबई का नामी गिरामी कॉलेज है। तो वहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं होली मदर इंग्लिश स्कूल से, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, तो बहुत गजब का व्लॉग होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस, सेंट जेवियर्स कॉलेज से कुछ वॉलंटियर आ चुके हैं, वो हमारे ऊपर स्कूल में चले जा चुके हैं ऊपर। तो हम जाकर देखेंगे वो क्या कर रहे हैं, तो वही मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए गाइस, जो वॉलंटियर यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये मतलब यहाँ पर जो ये चार्ट वगैरह लगे हुए थे, तो उन्होंने ये इसको निकालना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये अपना काम स्टार्ट करेंगे, जो ये करेंगे वो भी आप देखेंगे। तो भाई, सेंट जेवियर्स कॉलेज के जो हेड हैं इस प्रोजेक्ट के, जो यहाँ पर मतलब वर्क होने वाला, जो प्रोजेक्ट मतलब करने वाले हैं, वो उसके दोनों हेड भी आ चुके हैं और कुछ वॉलंटियर और भी आ चुके हैं। अभी मैंने आपको जो दिखाए थे, मतलब 3 से 4 लोग अभी आए थे, और भी मतलब अभी वॉलंटियर आ चुके हैं। वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में अपना वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, होली मदर इंग्लिश स्कूल पहले से ही बहुत खूबसूरत है और उसको खूबसूरत बनाने के लिए ये वॉलंटियर आए हुए हैं। तो ये मतलब पूरे स्कूल में, होली मदर इंग्लिश स्कूल में, ये आर्ट पेंटिंग करने वाले हैं। तो मतलब जो दीवारें हैं, मैंने आपको दिखाया, वो आर्ट वाली मतलब निकाल रहे थे। तो इसलिए वो जो, तो आर्ट के जो पेपर लगे हुए थे दीवारों पर, वो निकाल रहे थे। तो अभी उन्हीं दीवारों पर वो आर्ट पेंटिंग करेंगे, तो वही आप देखेंगे। तो किसी से मतलब जो हेड है, उनसे भी कुछ हम बातें करेंगे, कुछ मतलब पूछ लेंगे जो भी होगा। तो बहुत मजा आने वाला है गाइज, बहुत गजब का ये व्लॉग होने वाला है। तो प्लीज एंड तक बने रहना, जब भी आपको मजा आएगा। तो मिलते हैं आपसे बाद में। गाइज, अभी चलते हैं ऊपर, वो कलर के मतलब उन्होंने अपने कलर पेंटिंग के लिए निकालने स्टार्ट कर दिए, वो ही आप देखेंगे। गाइस, अभी देख सकते हैं आप, ये कलर रेडी कर रहे हैं अपने आर्ट पेंटिंग के लिए। तो अभी ये होली मदर इंग्लिश स्कूल में जो पेंटिंग करने वाले हैं, तो उसके लिए कलर्स रेडी कर रहे हैं। गाइस, किस तरह से मतलब ये कलर बना रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और कलर बनाना भी आसान बात नहीं है। तो देख सकते हैं कितनी मेहनत है, हार्ड वर्क है, बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। अभी देख सकते हैं आप, ये दीवारों पर मतलब ये चौक से और डिज़ाइन कर रहे हैं, जो मतलब ये आर्ट पेंटिंग करने वाले हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, ये आर्ट पेंटिंग करने वाले हैं। तो ये पहले चौक से मतलब को यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, इसी तरह से मतलब हर क्लास में डिज़ाइन करेंगे। अभी पेंटिंग होना बाकी है।
देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो डिज़ाइन किया है इन्होंने दीवार पर वो मतलब कंप्लीट हो चुका है, बाकी कलर अभी बाकी हैं, तो अभी कलर स्टार्ट हो चुका है। इधर चौक से डिज़ाइन कर रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हैं ये ऊपर की क्लासरूम है, तो यहाँ पर भी इन्होंने ये डिज़ाइन कर दिया है। जैसे नीचे कलर हो रहे हैं ऐसे इधर भी कलर होंगे, अभी सिर्फ इन्होंने ये डिज़ाइन किया है। तो गाइस लगभग लगभग सब वॉलंटियर आ चुके हैं और आपने देखा सब अपना वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है। आपने देखा दीवारों पर वो किस तरह से चौक से डिजाइन कर रहे हैं और कुछ वॉलंटियर ने कलर करना भी स्टार्ट कर दिया, आपने देखा भी है और मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो आज पूरे दिन आप यही देखेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। किस तरह से वो आर्ट करने वाले हैं, किस तरह से वो पेंटिंग करने वाले हैं आप देखेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत यूनिक व्लॉग है। तो वीडियो में गाइस प्लीज एंड तक बने रहना। तो गाइस सेंट जेवियर्स कॉलेज से पूरी टीम आ चुकी है वॉलंटियर की, तो अभी मैं आपको उनके हेड जो हैं उनको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा दूर से ही दिखाऊंगा, मतलब अभी वो वर्क कर रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब होगा, परेशानी होगी, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो आर्ट पेंटिंग कर रहे हैं। तो इस सो हार्ड वर्किंग, मतलब दीवारों पर आर्ट पेंटिंग करना आसान बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। गाइस ये हैं हमारे इस प्रोजेक्ट के हेड देवदत्त, आप देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको उनको दिखाने वाला हूं, तो अभी वो थोड़ा सा मतलब यहां पर मतलब कोई था नहीं, जो उनके साथ वॉलंटियर हैं उनके अंडर जो वर्क कर रहे हैं, आर्ट पेंटिंग कर रहे हैं, तो अभी वो सब अपना वर्क कर रहे हैं, तो मैंने सोचा इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर, तो ये अपना यहाँ पर कलर्स मतलब मिक्सिंग कर रहे हैं, और जो इनके अंदर अंडर वॉलंटियर काम कर रहे हैं तो उनको ये कलर बना बना कर दे रहे हैं, वो अंदर पेंटिंग कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए ये हमारे इस प्रोजेक्ट की सेकंड हेड है आंचल, तो आप देख सकते हैं ये भी अपना वर्क कर रही हैं। एक हेड होने के नाते ये भी मतलब अपने टीम के साथ वर्क कर रही हैं। तो ये देखिए धीरे धीरे मतलब ये अपना वर्क कर रहे हैं, तो अभी ये इधर पेंटिंग कर रहे हैं, डिज़ाइन इन्होंने कर दिया है चौक से। इधर भी देखिए तो गाइस इनकी पूरी टीम यहाँ पर आ चुकी है, ऑल वॉलंटियर कुछ ऊपर वर्क कर रहे हैं, कुछ नीचे कर रहे हैं। तो गाइस सेंट जेवियर्स कॉलेज से जो पूरी वॉलंटियर की टीम आई है, तो उनके लिए हम लेने जा रहे हैं नाश्ते का, जो उनका ब्रेकफास्ट का रहेगा, तो उनके लिए कुछ हम लेने जा रहे हैं, तो अभी आप देखेंगे आगे चलकर।
तो ये देखिए गाइस, होली मदर इंग्लिश स्कूल के पास ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर सुबह सुबह नाश्ते का यहाँ पर इडली मेंदू वड़ा बहुत फेमस है। तो देखिए सुबह में कितनी भीड़ रहती है यहाँ पर, मतलब ज़्यादातर सुबह में यही रहता है, इडली मेंदू वड़ा नाश्ते में ज़्यादातर सब यही करते हैं। तो गाइज अभी हम आए हैं नाश्ता लेने के लिए जय भवानी स्वीट्स पर, तो यहाँ से हम लेंगे समोसा वड़ा और जो रहेगा वो भी लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये स्वीट्स की शॉप है, तो बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं आप कितना अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर मिठाई भी बनाई जा रही है। आलू वड़ी और ये हमारा समोसा। तो गाइस अभी हमने नाश्ता ले लिया है और अब जा रहे हैं सीधा स्कूल, तो मिलते हैं आपसे स्कूल पर जाकर। तो गाइस देखिए अभी हम जाकर ऊपर नाश्ता देकर आए थे उनको, और आप देख सकते हैं उन्होंने अभी किसी ने भी नाश्ते को हाथ नहीं लगाया, सब वर्क में बिजी हैं। तो आप इधर देख सकते हैं ये भी वर्क में बिजी है और इधर कलर बना रहे हैं स्टाफ रूम में, तो वो भी सब बिजी हैं। और हम लोग ने तो नाश्ता कर लिया है नीचे ऑफिस में बैठकर, तो कितनी मतलब मेहनत से और लगन से कर रहे हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आर्ट पेंटिंग हो रही है। तो ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं, तो ये अभी आधा कंप्लीट हुआ है, अभी इसके अंदर सब्जेक्ट लिखना बाकी है जैसे कि हमें बताया है, और इधर भी लगभग कंप्लीट होता ही जा रहा है। उधर आप देख सकते हैं ये भी कंप्लीट ही है। तो सर मैं ये पूछ रहा था, आप मतलब संडे के दिन यहाँ पर होली मदर इंग्लिश स्कूल में आए, संडे का दिन आपको मिलता है फैमिली के साथ बैठने का, तो आप फैमिली से मतलब अपने घर से टाइम निकाल कर आए हैं, तो आपको यहाँ पर कैसा लग रहा है, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, मतलब कुछ बोर तो नहीं हो रहे आप? बोर हो रहे हैं? बोर तो बिल्कुल नहीं हो रहे हो रहे हैं। तो मस्ती करने आए हैं। अच्छा, बेसिकली हम हमारा जो इनिशिएटिव होता है वो वॉलंटियरिंग जब करते हैं तो यूजुअली इट इज़ विद द मोटिव कि हम लोगों की मदद कर सके, एंड इन सच अ स्कूल वेयर यू नो देर आर नॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज गिवन, तो इट्स सॉर्ट ऑफ हमारा ड्यूटी और इट्स सॉर्ट ऑफ हमारा प्रिविलेज टू कम, कर्तव्य है। बट एक्चुअली हमें मजा भी आता है क्योंकि दो चीज़ें होती है, वन यू गेट टू डू सोशल सर्विस, एक वी कैन रीच आउट टू यू नो people schools like this and do a lot more than what you know what we just do in college social service ke liye samaj seva kar sakte hai, and uske alawa bhi painting bahut fun activity hoti hai, sabko pasand aati hai especially deewaron pe paint karna, so it's also sort of like a bonding activity for a lot of us, sab ek dusre se milke kaam karte hai, to sab तो हम अभी जैसे अभी हम इधर किसी को भी नहीं जानते थे, पर अभी सब एक दूसरे का नाम जानते हैं, सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे ही लोगों के बीच में भी तो हाँ, एंड मोर ऑर लेस तो भाई मतलब हमें संडे का ही दिन मिलता है करेक्ट, बट उसी दिन आके हमें ये करना पड़ता है बिकॉज इट शोज हाउ मच यू एक्चुअली वॉन्ट टू डू, कि तुमको ये कितनी तुम्हें ये चीज कितनी करनी चाहिए और कितनी करनी जरूरी है और कितनी करनी पसंद है वो भी दिखती है, तो आई थिंक हमें मजा आता है करने में इसीलिए हम आते हैं, एंड हमें एक्चुअली बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है कि हमें बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलती है जो हम हमारे दुनिया में नहीं देखते। तो वैसे मतलब आप इतने बड़े कॉलेज से आए हैं, मतलब होली मदर इंग्लिश स्कूल को ही आपने सेलेक्ट किया, मतलब क्यों आपने मतलब होली मदर इंग्लिश स्कूल को ही क्यों सेलेक्ट किया है,
आर्ट पेंटिंग करने के लिए। तो मोस्टली जब जो ऐसी स्कूल्स होती है होली मदर इंग्लिश जैसी, तो उनके पास टीचर्स होते हैं, उनके पास स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास जगह होती है, बट बहुत टाइम्स में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, मतलब पैसे नहीं होते, तो कभी कभी मेंटेन नहीं कर सकते स्कूल्स। सो व्हाट वी डू इज हम अपनी कोशिश करते हैं दैट वी ट्राई टू ब्यूटिफाई दी स्कूल्स, लाइक हम रंगीन बना देते हैं स्कूल को विथ आर ओन यू नो व्हाटएवर लिटिल वी कैन डू फ्रॉम आर कॉलेज रिसोर्सेज। और इट्स अगेन लाइक होली मदर इंग्लिश को ही नहीं चुना है हमने, हम बहुत सारे स्कूल्स के पास जाते हैं, वी रीच आउट टू अ लॉट ऑफ स्कूल, एंड उन स्कूल से हमें जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उनमें से एक स्कूल आपकी स्कूल थी, तो इसीलिए हम आए। एंड देखकर मतलब हमको पता चला, हम जब आए थे देखने के लिए तब बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे, बहुत टीचर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन जब क्लासरूम में कलर होता है, क्लासरूम में अलग अलग डिजाइन होते हैं, तब बच्चे ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, इट्स फन टू टीच ऑल्सो फॉर द टीचर। सो दैट इज वॉट वी एम टू डू, वी एम टू मेक इट अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, ताकि बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा लगाव मिले, ताकि वो स्कूल आना चाहे कि चलो स्कूल में ऐसा कुछ नया हुआ है, स्कूल में कलरिंग हो रहा है, स्कूल में कुछ और चीज़ें हो रही है जो मुझे देखने जानी चाहिए। तो इसीलिए हमारा ये मोटिव होता है ये प्रोजेक्ट का, और इसीलिए होली मदर इंग्लिश जैसी स्कूल में हम जाते हैं, ताकि वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा कलर ना हो, जहाँ पे ज़्यादा बच्चों को स्कूल में जाने के लिए ऐसा मतलब अच्छा दिखने वाला स्कूल नहीं होता है, तो वी ट्राई टू गो देयर एंड वी ट्राई टू कलर इट अप अ बिट सो दैट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गेट मोर इंटरेस्टेड। वो उठ के वो चाहे कि हाँ आज मैं स्कूल जाऊँ, खुद से चाहे। तो वैसे तो होली मदर इंग्लिश स्कूल वैसे ही बहुत मतलब खूबसूरत है, और आपने यहाँ पर आकर और आर्ट पेंटिंग करके मतलब उसको और खूबसूरत बना दिया, तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, और मतलब अगर हमसे कोई मतलब कमी हुई हो आपके साथ तो नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उल्टा तो एक्चुअली जब हम आते हैं, हम वॉलंटियरिंग के लिए आते हैं, तो जब जिसके लिए आप वॉलंटियर कर रहे होते हो, यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू डू टू मच फॉर यू बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर देम, तो जब वो अपने लिए करते हैं देन वो वॉलंटियर में और ज्यादा मजा आता है, इसलिए हमारे पास लोग वापस दोबारा आते रहते हैं, क्योंकि स्कूल भी बहुत रिस्पॉन्सिव होती है, स्कूल को भी ये पसंद होता है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि दोनों तरफ से यू नो लोग कोशिश कर रहे हैं टू मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज ये थे हमारे सेंट जेवियर्स कॉलेज के वॉलंटियर हेड देवदत्त एन आचल, तो गाइज मैंने उनसे बात की, आपको रूबरू कराया, और उन्होंने बताया किस किस स्कूल में वो जाते हैं, किस किस स्कूल में वो मतलब आर्ट पेंटिंग करते हैं, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और वो बच्चों की खुशी के लिए करते हैं, तो वो जगह जगह स्कूलों में जाते हैं आर्ट पेंटिंग के लिए, और इतने बड़े कॉलेज से वो निकल कर हमारे मालोनी के बेस्ट स्कूलों में से एक होली मदर इंग्लिश स्कूल में आए, और उन्होंने हमारे होली मदर इंग्लिश स्कूल को आर्ट पेंटिंग के लिए सेलेक्ट किया, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है, और वो यहाँ पर आए आर्ट पेंटिंग करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। तो गाइज अभी वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत कुछ देखना बाकी है, फाइनल लुक दिखाना बाकी है, तो मेरी वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहना, जब भी आपको पता चलेगा, तो मिलता हूँ आपसे आगे चलकर। ठीक है गाइस, फाइनल लुक, तो ये जो पेड़ बनाया है आप देख सकते हैं, इसके ऊपर सब्जेक्ट लिखे हैं, तो आपने जब देखा था, जब कुछ नहीं था, सब्जेक्ट नहीं लिखे थे, और इसकी लाइनिंग साइड में ब्लैक से जो लाइन अंडरलाइन करी है आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत और रियलिटी दिखाई दे रही है, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते भी एकदम फाइनल लुक है, बिल्कुल फाइनल है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, और वो भी आप देख चुके हैं, एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये इस क्लास में आप पेंटिंग देख सकते हैं सामने, मतलब कितनी खूबसूरती से इसको पेंट किया गया है, कितनी अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं आपको दूसरी साइड दिखा देता हूँ इस क्लास की, अभी हम आ गए दूसरी क्लास में, आप देख सकते हैं इस क्लास में इस साइड दीवार पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग की है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको
स्लो दिखाऊंगा, स्पीड से नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आपको अच्छे से दिख नहीं पाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा रौनक बढ़ गई है पेंटिंग से। और सेंट जेवियर्स कॉलेज के मतलब स्टूडेंट जो ये आए थे यहाँ पर, उन्होंने मतलब अलग ही खूबसूरती बढ़ा दी है स्कूल की। पहले से ही बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह, और अब बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। जैसा कि मैं कह रहा हूँ, बच्चों को कल बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत बड़ा। देखिए गाइस, अब हम इस क्लास में आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं ये भी एक मैसेज दे रही है। ये जो पेंटिंग देख रहे हैं आप, ये भी एक मैसेज दे रही है, मतलब फूड हेल्दी है और फास्ट फूड तो समझ ही गए हैं आप। तो मतलब सबसे प्यारी क्लास मुझे ये भी लग रही है, मतलब हर एक क्लास अलग ही लग रही है। बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया है, अच्छी तरीके से पेंट किया है। तो ये हमारे होली मदर इंग्लिश स्कूल की टीचर हैं, उन्होंने ये पेंटिंग जो है उन्होंने की है, तो मतलब वो भी एक्सपर्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो वो भी शायद एग्जीबिशन में जाने वाली हैं जैसे कि मैंने सुना है। तो आप ये भी देख सकते हैं, इधर साइड दीवार पर भी बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग की गई है बच्चों के लिए, मतलब बच्चे पढ़ भी सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये टेबल है, तो इसमें आपने देखा येलो ग्रीन पर्पल कलर यूज़ हुए हैं, फ्रोजी कलर भी है। तो मतलब एक से बढ़कर एक क्लास लग रही है, हर क्लास एक दूसरे से मतलब बढ़कर है। सारी क्लासों में मतलब अलग ही है, रौनक आ गई है, खूबसूरती आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम आ गए हैं दूसरी क्लास में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छी आर्ट पेंटिंग की गई है। मतलब देखकर भी मतलब दिल अलग ही खुश हो रहा है। बच्चों का कितना खुश होगा ये तो मतलब हम भी नहीं जान सकते, बस यही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बच्चों को सरप्राइज मिलेगा कल, जब हमें इतनी खुशी हो रही है, मतलब हम पढ़ नहीं रहे, मैं सिर्फ व्लॉग बना रहा हूँ स्कूल के अंदर, अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने देखा हम सब ने यहाँ पर कितनी मेहनत की है, मुझे देखकर इतनी खुशी हो रही है, तो बच्चों को देखकर कितनी खुशी होगी। एक से बढ़कर एक पेंटिंग की गई है यहाँ पर होली मदर इंग्लिश स्कूल, तो मालोनी का बेस्ट स्कूलों में से एक होली मदर इंग्लिश स्कूल। तो ये भी आपने क्लास देख ली है, तो इसका भी फाइनल लुक आपने देख लिया है। बाकी क्लासों का भी मैंने फाइनल लुक दिखा दिया आपको, तो इसका भी फाइनल लुक मैंने आपको दिखा दिया है गाइस। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आज हमें सुबह से मैं आया हुआ यहाँ पर व्लॉग शूट करने के लिए। मैंने भी बहुत मेहनत की है, और जो यहाँ पर आए थे वॉलंटियर, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत, मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा मेहनत की है वॉलंटियर ने, क्योंकि उन्होंने तो दीवार पर पेंटिंग की है आर्ट पेंटिंग, तो उनकी तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, मुझसे कहीं ज़्यादा। तो गाइस इस क्लास का फाइनल लुक। तो गाइस अभी आ गए हम वापस घर, और शाम के बज रहे हैं 6, तो सुबह 8:30 बजे के गए हुए थे हम स्कूल पर। तो आज का आपने देखा, मतलब सेंट जेवियर्स कॉलेज से वॉलंटियर आए हुए थे, तो मैंने आपको हेड से भी रूबरू कराया, और सबको आपने देखा किस तरह से वो पेंटिंग कर रहे थे, आर्ट पेंटिंग दीवारों पर, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये कॉलेज जो मुंबई का नंबर वन कॉलेज है, नामी ग्रामी कॉलेज है, और 150 साल पुराना कॉलेज है, तो बहुत बड़ा कॉलेज था, मतलब बहुत बड़ी बात है। होली मदर इंग्लिश स्कूल में वो आए, उन्होंने होली मदर इंग्लिश स्कूल को सेलेक्ट किया आर्ट पेंटिंग करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी लाइफ का गाइज, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि इतने बड़े कॉलेज के वॉलंटियर के साथ मैं वो ब्लॉग शूट कर रहा था, उनसे कुछ बातें भी की, ऑफ कैमरा भी की और कैमरे में भी की, तो बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो गाइज़ इस ब्लॉग का हम यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।